चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, व्हिच इज सीक्वेंस एंड सीन्स। इतना लेट क्यों आते हो? मैं कब तक वेट करूं आप लोगों की? न्यू चैप्टर इज सीक्वेंस एंड सीरीज। कि जैसे आपको पता ही होगा सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है, कि उसके अंदर ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम APGP पढ़ेंगे और ब्रीफ रिकॉल ऑफ 2D कवर्ड इन अर्लियर केसेस, ओके सॉरी इन अर्लियर क्लासेस, जो भी आगे हो चुका है उसके ऊपर भी हम आगे देखेंगे। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होती है। ओके तो सीक्वेंस हम किसको बोलते हैं, जैसे कि हमारे पास नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये जो सारे नंबर्स हम ऐसे डॉट 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 करके आगे जाएंगे, कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। ये सारा का सारा जो है वो सीक्वेंस के अंदर है, राइट। तो इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है A set of numbers occurring in a definite order or by a rule is called a sequence. Okay, इसको हम लिख मैं लिख देती हूँ। A set of numbers occurring in a definite order or by a rule is called a sequence. Thus, any set of numbers such that, okay, अगर हमारे पास नंबर है a1, a2, up to an, okay, each positive integer n, मतलब कि n जो है 1, 2, 3 up to n, वो सारे के सारे belongs to positive integers, which is natural numbers. Natural numbers के अंदर जो होते हैं वही वाले 1 to n है हमारे पास, उसको हम बोलेंगे a1, a2 up to an. मतलब a1, a2, an कुछ भी हो सकता है, कोई भी number है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम belongs to R, मतलब real number कोई भी हो सकता है, इसको हम sequence बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि वो R के अंदर ही हो, C मतलब complex number में भी हो सकता है, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, और अगर वो आर के अंदर है तो इसको हम बोलेंगे रियल सीक्वेंस। ओके तो a1 a2 up to an इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी सीक्वेंस। ओके अब ये जो है वो फाइनाइट है, और अगर an के बाद भी डॉट 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 ऐसे यहाँ पे है तो वो हो जाएगी इनफाइनाइट। ओके इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो यहाँ पे दो टाइप के सीक्वेंस है, एक फाइनाइट सीक्वेंस और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो जो फाइनाइट सीक्वेंस है उसको हम लिखेंगे एज इन अ फाइनाइट सीक्वेंस होगी a1 a2 अप टू an। इसको डिनोट करेंगे हम डिनोटेड बाय, देखो सीक्वेंस जो है वो ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और सीक्वेंस क्या है देखो a1 a2 up to an, मतलब कि जो हमारा nth टर्म है वो लिखेंगे an। ओके जहां पे हमारे पास सॉरी ak लिख लेते हैं, ak वेयर k इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, मतलब a1 से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 अप टू n तक जा रहा है, वैसे इसको हम लिखेंगे इन कर्ली ब्रैकेट ak वेयर k इज इक्वल्स टू 1 टू n। ये हो जाएगी हमारी फाइनाइट सीक्वेंस। और अगर हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस जो है उसको हम ऐसे क्या होगा a1 a2 अप टू an, और an के बाद भी डॉट 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 होगा, कहां तक जाएगी इंफिनिटी तक। तो इसको हम डिनोट करेंगे एज इन, ओके सीक्वेंस है तो कर्ली ब्रैकेट में ही लिखी जाएगी an, where n is equals to 1 to infinity, n जो है वो an जो है वो हमारी nth टर्म है सीक्वेंस के अंदर। ओके या फिर इसको हम सिंपली लिखेंगे इन कर्ली ब्रैकेट an, ये भी अगर हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे तो ये भी हो जाएगी हमारी इनफाइनाइट सीक्वेंस। ओके तो ये हमारा फाइनाइट सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस।
अब सीक्वेंस के अंदर हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो डाइवर्जेंस और एक कन्वर्जेंस. ओके, तो कन्वर्जेंस जो है वो क्या होता है और डाइवर्जेंस जो है वो क्या होता है वो भी हमें देखना है अभी. ओके, तो लिमिट, आप लोगों को क्या पता है कि लिमिट क्या होता है? एनीवन? एनीवन? अच्छा, लिमिट के बारे में आप लोगों को नहीं पता है. ओके, तो लिमिट हमारे पास अभी है 11th के अंदर, तो हम वहां पे पढ़ने वाले हैं. लेकिन एक बार मैं समझा देती हूँ कि हमें लिमिट रखनी है. अगर कि लिमिट मतलब क्या होगा कि हमारे पास, हम यहाँ से अगर जा रहे हैं तो इसकी कोई लिमिट होगी कि हमारे पास एक कर्व है, सपोज ये कि ये जो पूरा कर्व है वो कोई, उसकी कोई लिमिट होगी ना. जैसे कि यहाँ पे देखो, इससे ज्यादा वो बढ़ नहीं रहा है इस पॉइंट से ज्यादा, और इस पॉइंट से ज्यादा वो घटेगा नहीं. तो ये जो है उसकी लिमिट हो गई. और इन सारे पॉइंट्स के लिए हमारे पास पूरा कर्व, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, और सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स के लिए एक लिमिट होगी उन सभी की. ओके, कि जहां पे जाके वो इकट्ठा होंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो कहीं ना कहीं पे जो है वो किसी ना किसी डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रहे हैं. ओके, तो इन सभी के लिए एक लिमिट पॉइंट होगी हमारे पास. ओके, तो इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशिएशन के अंदर लिमिट भी पढ़ लेंगे. तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है लिमिट के लिए, कि इन सभी की जो लिमिट है, लिमिट हमें दो मिल सकती है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट. मतलब कि जिसके लिमिट मिलती है, जो हमें पता है जिसकी वैल्यू, तो उसको हम फाइनाइट लिमिट बोलेंगे, और जिसकी लिमिट नहीं मिलेगी उसको हम इनफाइनाइट लिमिट बोलेंगे. ओके, तो लिमिट हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी. ये जो है लिमिट का नोटेशन है, विच इज लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी ए एन. ए एन क्या है? हमारा nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी ए एन जो है वो, विच इज इक्वल टू, सपोज हमें कोई एल मिल रहा है. अब जो एल है वो कोई फाइनाइट नंबर ही होगा, तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट. ओके, तो एल फाइनाइट है, तो जो सिक्वेंस है वो हो जाएगी कन्वर्जेंस. ओके, जो सिक्वेंस है वो कन्वर्जेंस होगी. ओके, और अगर हमें मिल रहा है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और ए एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, इन दोनों में से कोई भी, या तो नेगेटिव में या पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट. ओके, अभी इनफाइनाइट लिमिट मिल रही है इसकी, तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस. तो याद रखना, जब भी लिमिट हमें जो है वो फाइनाइट मिल रही है, मतलब कि लिमिट मिल रही है, कुछ भी मिल रही है, तो वो हो जाएगा कन्वर्जेंस. और अगर वो इनफाइनाइट मिल रही है तो वो हो जाएगा डाइवर्जेंस. नेक्स्ट अब देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 16.1. इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है, विच इज फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म आर गिवन बाय. Nth term are given by n is equals to n into n plus 2. क्या लिखा है? Find the first three terms. Okay, first three terms जो है वो हमें लिखनी है, मतलब कि a1 जो है वो first term होगी, a2 जो है वो second term होगी, और a3 जो है वो third term होगी. Okay, फर्स्ट थ्री टर्म्स लिखनी है हमें.
जिसकी nth टर्म जो है वो दी गई है तो a1 क्या हो जाएगा 1 into 1 plus 2 which is equals to 1 a2 2 plus 1 is 3 this is equals to 3 a2 क्या हो जाएगा 2 into 2 plus 2 2 into 2 plus 2 is 4 4 into 2 is 8 a3 क्या हो जाएगा 3 into 3 plus 2 3 plus 2 is 5 5 into 3 is 15 तो ये हो गई हमारी first 3 term of the first example number 2 second में हमें क्या दिया गया है an is equals to n upon n plus 1 okay तो an is equals to n upon n plus 1 है हमारे पास यहाँ पे तो क्या हो जाएगा a1 is equals to 1 upon 1 plus 1 which is equals to 1 by 2 a2 is equals to 2 upon 2 plus 1 which is equals to 2 by 3 and a3 is equals to 3 upon 3 plus 1 which is equals to 3 by 4 So this is our first three terms again. Okay, अब number three जो है वो क्या है an is equals to 2n minus 3 divided by 6. तो ये जो हमारा an है यहाँ पे फिर से a1 करेंगे तो a1 is 2 into 1 minus 3 divided by 6 2 minus 3 is minus 1 by 6 a2 is 2 into 2 minus 3 divided by 6 2 into 2 is 4 minus 3 divided by 6 which is 1 by 6 a3 is 2 into 3 minus 3 divided by 6 2 into 3 is 6, 6 minus 3 is 3 divided by 6 which is equals to 1 by 2. तो यहाँ पे हमें first 3 terms जो है वो मिल गए. Minus 1 by 6, 1 by 6 and 1 by 3, 1 by 2. Okay. Now number 4 is an is equals to n square plus 5 divided by 4. N square plus 5 divided by 4 है. तो सबसे पहले a1 करेंगे तो 1 square plus 5 divided by 4 which is 1 square is 1 plus 5 is 6 by 4 जिसको हम लिख सकते हैं 3 by 2 okay, a2 is equals to 2 square plus 5 divided by 4 which is equals to 4 plus 5 divided by 4 4 plus 5 is 9 by 4 a3 is 3 square plus 5 divided by 4 which is equals to 9 plus 5 by 4 9 plus 5 is 14 by 4 which is equals to 7 by 2 Next one number 2 which is find the indicated terms in each of the expansion given below. Okay. Solution and direct. Okay. First, first is A17 and A24 when an is equals to 4n minus 3
तो a 17 फाइंड करना है, 24 फाइंड करना है फॉर an इज इक्वल टू 4n माइनस 3. तो a 17 क्या हो जाएगा, 4 into 17 माइनस 3. तो 4 into 17 माइनस 3 हो जाएगा 65. ओके, 4 17 4 का 68 माइनस 3 इज 65. अब देखते हैं a 24 व्हिच इज इक्वल टू 4 into 24 माइनस 3. Which is 93. Next, number 3. Skip first. Find A9. When an is equals to minus 1 raised to n into n cube. तो okay. a9 find करना है, तो a9 क्या हो जाएगा, minus 1 raised to 9 into 9 cube. minus 1 raised to 9 होता है minus 1 and 9 cube is 729. तो our answer is minus 729. सेकेंड है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ए 20 व्हेन ए एन इज इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस 4 डिवाइडेड बाय एन प्लस 5. ये तो ए 20 फाइंड करेंगे, एन की जगह पे 20 रखना है, सिर्फ 20 इंटू 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5 व्हिच इज इक्वल्स टू 20 माइनस 4 इज 16. 20 into 16 divided by 25. So the answer will be 64 by 5. Fourth one is, write the first five terms of each of the following sequences and then find the corresponding series. First one is a1 is equals to 3 and an is equals to 3 a n minus 1 plus 2 for all n is greater than 1. Okay, अब यहाँ पे बुक के अंदर देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे a n plus 1 दिया हुआ है लेकिन वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, a n minus 1 आएगा. Okay, so a1 is equals to 3 and a n is equals to 3 a n minus 1 plus 2 है,
हमें क्या करना है, राइट द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस एंड देन फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज. ओके, तो सपोज ए वन हमारे पास थ्री है, तो ए टू जो है वो क्या हो जाएगा, थ्री इंटू ए वन प्लस टू विच इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री प्लस टू, थ्री इंटू थ्री इज नाइन प्लस टू विच इज इक्वल टू इलेवन. ए थ्रू ए थ्री विल बी थ्री ए टू प्लस टू विच इज इक्वल टू थ्री इंटू इलेवन प्लस टू विच इज थर्टी थ्री प्लस टू एंड विच इज इक्वल टू थर्टी फाइव. ए फोर इज इक्वल टू थ्री ए थ्री प्लस टू इज इक्वल टू थ्री इंटू थर्टी फाइव प्लस टू इज इक्वल टू थ्री इंटू थर्टी फाइव इज इक्वल टू वन जीरो फाइव प्लस टू विच इज इक्वल टू वन जीरो सेवन. नाउ ए फाइव हमें फर्स्ट फाइव टर्म्स फाइंड करनी है, तो वो हो जाएगी थ्री ए फोर प्लस टू विच इज इक्वल टू थ्री इंटू वन जीरो सेवन प्लस टू. थ्री इंटू वन जीरो सेवन इज थ्री ट्वेंटी वन प्लस टू विच इज इक्वल टू थ्री ट्वेंटी. तो अब हमें क्या करना है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग, ये हमने फर्स्ट फाइव टर्म्स तो फाइंड कर लिए, अब इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज है वो भी हमें लिखनी है. तो कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज हम देखेंगे क्या हो जाएगी, ए वन है हमारे पास थ्री, ए टू है इलेवन, ए थ्री इज थर्टी फाइव, ए फोर इज वन जीरो सेवन एंड ए फाइव इज थ्री ट्वेंटी थ्री. सॉरी, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो सीरीज है, सीरीज को इसको बोलेंगे, तो जो सीक्वेंस है हमारी उन सभी को अगर हम सम कर ले तो वो हो जाएगी हमारी सीरीज. तो सीरीज, कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज इज थ्री प्लस इलेवन प्लस थर्टी फाइव प्लस वन जीरो सेवन प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री प्लस एंड सो ऑन. ये हो गई इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज. ओके, तो उसके बाद वाला जो सेकेंड है विच इज ए वन इज इक्वल टू माइनस वन वेर ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन अपॉन एन फॉर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू. तो इसके लिए भी सेम है, फर्स्ट फाइव टर्म्स लिखनी है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो सीरीज है वो लिखनी है. तो ये आप लोग करके मुझे अभी बोलो कि आपका आंसर क्या आ रहा है. ओके, तो बाकी सबका आंसर आ गया ना. नाउ नंबर फाइव, विच इज फाइंड द फर्स्ट फाइव टर्म्स एंड देन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज for each of the sequences given below. इसके अंदर फर्स्ट है ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू टू where a n is equals to a n minus 1 minus 1 for n greater than 2. Okay, same hai, first 5 terms hame find karni hai and then corresponding series for each of the sequence given below. Okay,
ठीक है, अब ए वन और ए टू बोला गया है, अब एन जो है वो ग्रेटर देन टू होगा, मतलब थ्री से स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो ए एन है वो हो जाएगा ए एन माइनस वन माइनस वन. ओके, तो ए थ्री क्या हो जाएगा, ए टू माइनस वन विच इज इक्वल टू टू माइनस वन विच इज इक्वल टू वन. ए फोर हो जाएगा ए थ्री माइनस वन विच इज इक्वल टू वन माइनस वन विच इज जीरो. ए फाइव इज ए फोर माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो माइनस वन एंड इट इज माइनस वन. हमें क्या फाइंड करना था, फर्स्ट फाइव टर्म्स, तो वो फर्स्ट फाइव टर्म्स जो है वो हो गई. अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सीरीज है वो, तो ए वन ए टू क्या है, टू प्लस टू प्लस ए थ्री इज वन प्लस ए फोर इज जीरो प्लस ए फाइव इज माइनस वन प्लस एंड सो ऑन. तो ये जो है वो हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज है. ओके, अब इसके अंदर सेकेंड जो है विच इज ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू फाइव, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन माइनस थ्री फॉर एन इज ग्रेटर देन टू. यहाँ पे भी सेम ही है, ए वन और ए टू दोनों इक्वल है और ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन माइनस थ्री है, जहां पे एन जो है वो ग्रेटर देन टू है. तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, सेम थिंग ए थ्री, ए थ्री से स्टार्ट करेंगे, ए थ्री क्या हो जाएगा ए टू माइनस थ्री, क्योंकि एन ग्रेटर देन टू है, थ्री इज ग्रेटर देन टू. तो ए टू इज फाइव माइनस थ्री विच इज इक्वल टू थ्री विच इज इक्वल टू टू. ए फोर इज इक्वल टू ए थ्री माइनस थ्री विच इज इक्वल टू टू माइनस थ्री एंड इज माइनस वन. ए फाइव इज इक्वल टू ए फोर माइनस थ्री विच इज इक्वल टू माइनस वन माइनस थ्री एंड इट इज माइनस फोर. अब हमें ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव मिल गया है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, ए वन इज फाइव प्लस ए टू इज फाइव प्लस ए थ्री इज टू प्लस ए फोर इज माइनस वन प्लस ए फाइव इज माइनस फोर प्लस एंड सो ऑन. दिस इज अवर कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज फॉर दिस वन. समझ में आया? तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज तो है इसी में खत्म हो गई, कुछ है नहीं इसके अंदर ज्यादा. अब हम देखते हैं आगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जिसको हम बोलेंगे एपी. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे कि हमने देखा जो सीक्वेंस है हमारी वो क्या हो जाएगी, ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन एंड सो ऑन. ओके, ऐसी कोई सीरीज सीक्वेंस है हमारे पास. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके अंदर क्या होगा, इसको क्यों हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसके अंदर एक कंडीशन होती है जो सेटिस्फाई होगी, ए टू माइनस ए वन या फिर ए थ्री माइनस ए टू विच इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री विच इज इक्वल टू ए फाइव माइनस ए फोर विच इज इक्वल टू ए सिक्स माइनस ए फाइव एंड सो ऑन. कहाँ तक जाएंगे, ए एन माइनस वन सॉरी ए एन माइनस ए एन माइनस वन और भी आगे बढ़ता जाएगा डॉस लिस्ट. ओके, अब इन सभी के इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, विच इज डी. सभी के इक्वल टू हमें मिलेगा डी, और डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस इन सभी के बीच का, मतलब ए टू ये जो है उसके अंदर से ये ए वन अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे, ए थ्री में से ए टू सब्ट्रैक्ट कर दे, ए थ्री ए फोर में से ए थ्री सब्ट्रैक्ट कर दे या फिर ए एन में से ए एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारा जो कॉमन है सभी का आंसर सेम आएगा विच इज डी. ओके, इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस. तो क्या होगा, अ सीक्वेंस विद अ कॉमन डिफरेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये हो जाएगा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो अब इसके अंदर हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए वन. ओके, तो सेकेंड टर्म क्या होगी,
ए वन प्लस डी, क्योंकि जो डी डिफरेंस है उसी से तो पूरी सिक्वेंस बनती है, तो सेकेंड टर्म हो जाएगी ए वन प्लस डी। तो थर्ड टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, ए वन प्लस टू डी। फोर्थ टर्म जो है वो हो जाएगी ए वन प्लस थ्री डी, के डी डी एड करते जाएंगे तो हमें जो पूरी सिक्वेंस है वही वैसी की वैसी मिलती जाएगी। ऐसे हमारी जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगी, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो ये एन माइनस वन इंटू डी हो रहा है, जी हाँ। तो हमारी जो nth टर्म है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको हम लिखेंगे ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और हमें बोला गया है कि nth टर्म फाइंड करो, तो हमें क्या करना है ऐसे फाइंड करनी है। अब दूसरी बात, हमें अगर बोला गया है कि थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके, तो थ्री जो टर्म्स है इन एपी में ऑलवेज टेकन एज, थ्री टर्म्स बोला गया है हमें, तो हम इसको क्या लेंगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, वेर a इज नॉट फर्स्ट टर्म। ये जब भी बोला गया है कि थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर और हमें सपोज करना है, तो हम ये तीन सपोज करेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। वैसे ही अगर हमें फोर टर्म्स बोला गया है कि फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये तो फोर नंबर्स ऑफ ए पी may be taken as a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। तो ये जो है वो फोर टर्म्स अगर लिखा गया है तो होगा, और अगर फाइव नंबर्स बोला गया है कि फाइव नंबर्स ऑफ AP may be taken as, यहां पे क्या लेंगे, तो यहां पे हम लेंगे a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस टू डी। तो जब थ्री बोला गया है तो हमारा ये तीन होगा a माइनस डी, a प्लस डी, फोर बोला गया है तो a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी, और फाइव नंबर्स बोला गया है a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस टू डी। अब एक और चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कि अगर हमारे पास a b एंड c आर इन ए पी, ये हमने काफी बार किया हुआ है कि अगर a b c a p में है तो क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c। ये हमें पता है, हम लिखते कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखो हमने एक तो कर लिया पहले, ये तीनों जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना, b माइनस a इज इक्वल्स टू c माइनस b, ओके। तो ये b यहाँ पे चला जाएगा, a यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2b इज इक्वल्स टू c प्लस a या फिर a प्लस c। तो यहाँ से हमें ये मिला कि इफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन वी हैव 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c। इसके बाद अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन क्या होता है, व्हेन थ्री क्वांटिटीज आर इन एपी, व
when three quantities are in AP, the middle one is called arithmetic mean, इसको हम बोलेंगे AM of the other two. If A, M and B AM and B are in AP, then M is the AM. Of A and B, and we have M minus A is equals to B minus M, that is M is equals to 1 by 2 A plus B. ये हमने पता है, इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, 2m is equals to b plus a, तो ये जो 2 है वो नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा m is equals to 1 by 2 a plus b. तो ये हो जाएगा हमारा arithmetic mean, हम ऐसे find कर पाएंगे. अब क्या है, to insert arithmetic mean between A and B, क्या होगा, इफ m1 f2 up to mn be the n arithmetic means to be inserted between a and b. सपोज हमारे पास a और b दो है, ठीक है, इसके बीच में हमें m1 m2 up to mn जो है वो arithmetic means है सारे के सारे, हम सभी को हमें ऐड करना है यहाँ पे बीच में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, we have an arithmetic progression consist of n plus 2 terms, ठीक है, तो ये सभी के सभी अगर अरिथमेटिक मीन हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पूरी सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी, कितनी, ये m1 से लेके mn तक, मतलब ये कितने हुए हमारे पास n टर्म्स, एक टर्म हो गया a, एक टर्म हो गया b, तो हमारे पास जो टोटल टर्म्स है वो कितने हुए n प्लस 2, तो n प्लस 2 टर्म्स की हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गई. अब अगर d जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है, सपोज तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, सॉरी n प्लस 1 इंटू d, ये b हो जाएगा, a जो है वो फर्स्ट टर्म है और हमारे पास टोटल n प्लस 2 टर्म है, तो b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 इंटू d हो जाएगा, ओके, और यू कैन राइट दैट n प्लस 1 इंटू d इज इक्वल टू b माइनस a, दैट इज इसके ऊपर से हम जो डिफरेंस है वो डिफाइन कर सकते हैं, d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1, ये हमारा डिफरेंस के लिए भी आ गया. सो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि हैंस द रिक्वायर्ड एन अरिथमेटिक मीन्स आर ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी अप टू ए प्लस
एन डी ये हो जाएंगे हमारे अरिथमेटिक मीन्स। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ए प्लस टू टाइम्स बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, जो हमें डी मिला है वही है, या फिर ए प्लस थ्री टाइम्स बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा, ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। और ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका सम, मतलब फर्स्ट एन टर्म्स का अगर हम सम करना है तो वो हो जाएगा सबसे पहले जो सम है इसको हम कैसे लिखेंगे, सपोज हमारी सीरीज है एस एन, वो सम है किसका, ए वन प्लस बी सेकेंड टर्म होगा, प्लस ए वन प्लस टू डी थर्ड टर्म, प्लस ए वन प्लस थ्री डी फोर्थ टर्म। अब तो कहां तक जाएगा ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक जाएगा। okay. तो ये जो फर्स्ट एन टर्म्स इसका जो सम है वो क्या हो जाएगा, एन बाय टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका जो सम है वो ये हो जाएगा। ओके okay. कैसे, ये देखो ए वन प्लस ए वन प्लस ए वन प्लस ए वन कहां तक मिलेगा हमें, जीरो से लेके एन माइनस वन तक, मतलब कि एन टाइम्स हमें ए वन मिला तो एन टाइम्स ए वन उसको डिवाइड बाय टू भी कर लेंगे, प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी मिलेगा। ओके ये देखो वन प्लस टू प्लस थ्री अब एन माइनस वन जाएगा, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन बाय टू, मतलब के हमारा जो समेशन है यहाँ पे समेशन अप्लाई होगा वन प्लस टू प्लस थ्री अब टू एन माइनस वन, इसका जो सम है वो हमें मिल जाएगा एन एन माइनस वन बाय टू इंटू डी। तो ये जो है वो हमारा एस एन हो जाएगा एन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसके अंदर हमें जो फॉर्मूलाज है वो रखने हैं।
ओके नाउ फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद भी रखना है. क्या है? टू फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एंड नेचुरल नंबर्स. तो क्या है, सपोज हमें सम फाइंड करना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर का. ओके इसका हमें सम फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा? इसके लिए मुझे आपको एक और चीज सिखानी पड़ेगी, और अभी मेरा 12th में लेक्चर है. चलो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके यहाँ तक ही रखते हैं. अभी हमारा थर्सडे को लेक्चर है, वो थोड़ा ज्यादा लंबा कर दूंगी मैं. नहीं, फ्राइडे को है ना, तो फ्राइडे वाला लेक्चर जो है वो थोड़ा थोड़ा टाइम ज्यादा ले लूंगी. उसमें मैं काफी